Assalamualaikum यूट्यूब फैमिल तो कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू my चैनल आज एक न्यू vlog के साथ लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें यहाँ जो है रमज़ान की तैयारियों में लगी हुई हूँ यहाँ जस्ट मैंने ओवन को साफ़ किया है फ्रिज की बारी है और ये देखे पूरा घर जो है ना मैज पड़ा हुआ है इन इसकी साफ़ सफाई मैं करूँगी सफ़ाई तो हर रोज़ करते हैं लेकिन रमज़ान के एक अलग से जो है ना सफाई होती है क्योंकि अभी रमज़ान की आमद आमद है तो जो है ना अच्छा लगता है हर कोई जो है ना इसी तरह करता है मैं भी करती हूँ तो बस आज का दिन इसी तरह से जो है ना पूरे घर की साफ सफाई में जो है ना मैंने लगा दिए ये देखें पहले भी आप लोगों ने फ्रिज की हालत देखी और अभी भी देखें माशाल्लाह कितनी क्लीन हो गई है और मेरा फ्रिज जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चेंज करूँगी और यहाँ साथ साथ में बना रही हूँ बीफ बिरयानी तो बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है ना दो से तीन बड़े प्याज लिए उनको गोल्डन ब्राउन किया उनके अंदर कुछ खरे मसाले जैसे कि लौंग दालचीनी बड़ी छोटी इलायची और ब्लैक पेपर जैसे ही प्याज गोल्डन हुए फिर वो मैंने डाले उसके अंदर फिर बाद में गोश्त अब इनको एक दो मिनट के लिए मैं भूनूंगी फिर उसके बाद ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है गोश्त में वैसे भी अदरक लहसुन ज़्यादा डालते हैं ताकि एक तो उसकी हींग खत्म हो जाए दूसरा वो अच्छे तरीके से घल जाए अब बारी है टमाटर डालने की तो यहाँ टमाटर भी मैंने फटाफट से डाल दिए वीडियो मैंने स्पीड पे रखा है ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना लेंदी ना हो बिरयानी में मसाला जो है ना मैं शान का यूज़ करती हूँ आप लोग देखते हैं अक्सर और जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो दही लाजमी ऐड करती हूँ अगर दही ना हो तो इमली इमली जो है ना वो सीक्रेट है जो कि बाहर से हम बिरयानी खाते हैं ना हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो वो क्या करते हैं दही के साथ साथ आलू बुखारा तो वैसे भी ढलता है हर बिरयानी में तो वो इमली ऐड करते हैं तो बस इसी वजह से आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी है क्योंकि मौसम चेंज है गला ख़राब बुखार ही दोबारा से आ गए और ये देखें माशाल्लाह साथ साथ पूरे घर घर की मैंने डीप क्लीनिंग की है और माशाल्लाह फ्रिज भी कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि सफ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है आप किसी भी चीज़ को जो है ना साफ़ करें आपको ख़ुद को खुशी मिलती है और चावल यहाँ मेरे सोख हो चुके हैं अलहदुल्ला और ये देखें सालन भी रेडी है कुछ मैं रात के लिए निकाल के रख दूँगी और बाकी जो है ना बिरयानी बनाने के लिए और यहाँ गैस नहीं है तो इसी वजह से मजबूरन मुझे इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करना है यहाँ पानी भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है अच्छा रमज़ानों में मैं आप लोगों के साथ हो सकता है व्लॉग शेयर ना करूँ रमज़ान में सिर्फ मैं आप लोगों के साथ डेली एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैं अपने घर के लिए बनाऊँगी तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लेकिन यह है कि वो रेसिपी यूनिक होगी और आप लोगों को मज़ा भी आएगा देखने में तो बस यहाँ जो है ना मैं लेयरिंग कर रही हूँ और ये रात के लिए मैंने निकाल के रखे थे तो आज जो है ना फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से दो लेयर में चावल बना रही हूँ वैसे मैं अक्सर अपनी अम्मी की तरह बनाती हूँ बस एक ही लेयर नीचे सारा कोरमा होता है बिरयानी का यानी सालन होता है फिर उसके ऊपर मैं चावल लगा देती हूँ लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं दो लेयर में बना रही हूँ बिरयानी बनाने के काफ़ी ऐसे तरीके हैं मैंने आप लोगों के साथ हैदराबादी बिरयानी भी शेयर की है स्टूडेंट बिरयानी भी शेयर की है यहाँ तक कि अल रहमान बिरयानी की जो रेसिपी है वो भी शेयर की है लेकिन मज़े की बात बताऊँ ना मेरे बच्चों ने बच्चों में से सिर्फ मेरे बेटे ने वो किया कि ये जो है ना अल रहमान की बिरयानी नहीं है हालाँकि मैंने सेम टू सेम बनाई है क्योंकि उसमें ज़्यादातर गर्म मसाले का टेस्ट होता है और कुछ भी नहीं है फिर भी उसने कहा नहीं ये तो अल रहमान बिरयानी नहीं है ये आपने बनाई क्योंकि उसने मुझे देख लिया था ना बनाते वक्त और माशाल्लाह ये देखें रेडी भी हैं और ऊपर से ज़रदे का रंग में डाल रही हूँ अगर आपके पास केवड़ा वाटर है वो डाल दें अगर नहीं है तो आप बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं और ये देखें शुरे मार के आए और बार बार पूछ रहे हैं क्या बनाया है क्या बना रही है तो मैंने कहा बिरयानी तो उसने कहा नहीं खाऊंगा मैंने कहा नहीं आप खा के देखो आपको मज़ा आएगा तो कह रहे कि हाँ मुझे निकाल के दे दो और ये देखें माशाल्लाह मैंने तो आधा किलो जैसे बनाया है ना अगर आप लोग कभी भी बिरयानी बनाएं तो बिरयानी कभी भी चम्मच से ना निकालें और ना मिक्स करें छोटे से जो प्लेट आते हैं ना डिनर सेट वग़ैरह के तो आप उससे मिक्स करें और उसी से ही निकालें बिरयानी निकालने का भी एक तरीका होता है ताकि चावल टूटे ना और माशाल्लाह ये सेला चावल है तो मैंने उबलते हुए पानी में सिरका भी डाल दिया था तो इसी वजह से ये खिले खिले से चावल है उम्मीद करूँगी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि और ज़्यादा जो है ना अच्छे अच्छे वीडियोस में आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए लेके आऊँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें दुआओं में याद रखें